जथेदार जी के उस बयान नाल तुहाडी पूरी सहमति है? असी निहंग सिंघां दे जथेबंदियां दे हरेक फैसला ठोक के खड़े हैं। पहली गल प्यार नाल मनाओ, नहीं मनते तकरार ना मनाओ, तकरार ना नहीं मनते, पर हथियार तो है ही अपने को, पर हथियार ना मनाओ। ये लोगों की दुकाना बंद करवाई पैनी है, जिहड़े लोग पंजाब लोगों को गुमराह करके भंबड़ू भूसे पा रहे हैं, सिक्खी सिद्धांतों तो लांभे करके, ये जिहड़े दूजे पखंड करी जांदे भूत प्रेत आत्मा दी खेड़, किहड़ी आत्मा प्रेत आत्मा हैगी जी? सब ड्रामे हैं। जथेदार साहब ने बहुत सोहना बयान दिता ते समुची कौम जथेदार से बयान ते नाल सहमत है, पर मैनू डेली शीशे मूहरे बह के वेखना पैना भी तजिंद्र पल तेरी अंदर तेरी औकात की है, अज तू उंगल चक रहे हैं कि तेरा आला दुआला तेरे घर के तेरे साथी तेरी कमेटी तेरे जथेबंदी तेरे नाल खड़ी है? जे ये मैं चार बंदा नहीं संभाल सकता तो मैं मत देवां जगाउण दे जथेदार नूं या श्रोमणी कमेटी प्रधान नूं मत देवां जाके। मैं कहा बाबा जी ये तुहानूं मैं भेजा चैक किया, कहिंदे हाँ मैं पता कराया भी ये जिन्हें सरूप चक्या गुस्सा हैप्पी है जां होर है जे कार ते ना छपिया ते ओह कहिंदे छड़ पंजे दसांगा तुहानूं असीं। मैं कहा बाबा जी कमाल की गल है, तुम हम फोन करो, तुम मेरे को टिम्मा जी बोलते हो। मैं कहा बाबा जी मैं शाम पांच बजे दसूंगा तो की मतलब गल का? फिर असं गए बूटा सिंह गुरथुरी गुरथुरी ना ए फूल मेजर सिंह मंगा सिंह ढिल्लों मैंबर है वो करे उत्थे बूटा सिंह साढ़े सब सन मनिया भी मैं मनदा भी वह पखंडी है वह मड़ी संचालक है मैं तो वायदा करता उसका कोई लागा देगा ना आप मड़ी तोड़ा पीरखाना बंद करावे शामिल करा नहीं तो कोई लागा देगा। गल कही है ओन रिकॉर्ड है मेरे को रिकॉर्डिंग पई है बूटा सिंह जे बह के मड़िया की गल करनी है जे कबर की गल करनी है जे पखंडिया की पिट पूरनी है फिर तो बाबा बूटा सिंह मैंबर बनने लायक भी नहीं गा जथेदार वो दूर की गल है। जथेदार जी ने जो इस वेले बयान दिता आ जिस दिन निहंग सिंघां नूं परचे हुए है जिन्होंने प्रोग्राम रोकिया आ निहंग सिंघां नूं जो पूछा गया तो उन्होंने अपने कारण होर दसे भी आह कारण से जिदे करके प्रोग्राम रोकना पिया निहंग सिंघां दे कारण उहदा खुलासा करदे समां ज़्यादा लग जाएगा। जथेदार जी दे उस बयान नाल तुहाडी पूरी सहमति है? असी निहंग सिंघां दे जथेबंदियां दे हरेक फैसला ठोक के खड़े हाँ, कौम दे हर बंदे खड़े होना चाहिए। जे पखंड दी दुकानां पंजाब च चलन लग गई आ मैं चर्च तोड़न के खिलाफ हाँ, नहीं नहीं टुट जीता, पर पखंड की दुकाना भन्निया चाहिए, पखंड की दुकाना बंद करवानी चाहिए क्योंकि सिद्धांतक तौर पर हो सकता है सवाल जवाब काउंटर किया जा सकता है कहने तो पावे नहीं जी नहीं नहीं नहीं, नहीं। जे थोनू पता है भी ये जो ये बंदे प्यार नहीं मन रहे पहली गल प्यार मनाओ, नहीं मनते तकरार ना मनाओ, तकरार नहीं मनते, पर हथियार तो है ही अपने को, फिर हथियार मनाओ ना मन एक मोटी गल नोट कर लियो प्यार पहला फिर तकरार फिर भी नहीं फिर हथियार। तो ये लोगों की दुकाना बंद करवानी पैनी है जिहड़े लोग पंजाब लोगों को गुमराह करके भंबड़ू भूसे पा रहे हैं सिक्खी सिद्धांतों तो लांभे करके ये जिहड़े दूजे पखंड करी जांदे भूत प्रेत आत्मा की खेड़ खेड़ किहड़ी आत्मा प्रेत आत्मा हैगी जी आके सब ड्रामे हैं। जथेदार साहब ने बहुत सोहना बयान दिता तो समुची कौम जथेदार से बयान ते नाल सहमत है तो आस करदी इस तरह जथेदार कौम की अगवाई करते रहेंगे तो असी सारे साडा फर्ज बनता है असी जथेदार साथ देईए। पर अफसोस मुखबूत यही है हर बंदा जथेदार नूं मत देण दिया हर बंदा कहिंदा वी उह नहीं दे रहा हाँ वह कहिंदा मेथों तो सुणा ही नहीं कोई जी साथ नहीं दे रहा वह मत दे रहा वह कहिंदा नहीं जी ऐं करो ऐं करो ऐं करो आके थोनू पता है अज बीजेपी का बहुत बड़ा बोलबाला है साड़िया बड़िया जथेबंदियां जिहड़ियां बीजेपी के कलावे चली गई बहुत ज्यादा गई बहुत गई हैं ना लीए तो बड़ी वीड्डी कंट्रोवर्सी बड़ी वीड्डी कंट्रोवर्सी है। पर एक छोटा जिहा सवाल कह के मैं समाप्ति कर दवां समय दीआं घड़ियां रुक दीआं ने सरदार साहब जे मेरा कोई यार मेरे तो टुट के जा रहा ना तो हर वारी उन्हों भैड़ा तो उन्होंने कसूरवार कहने की बजाय मैं अपने आप में भी वेखना पैना भी जे मेरा यार टुट के गया कोई तो कमी मेरे में होएगी मैं छड़ गया इस करके ये भी वेखना पड़ेगा सानू भी कारण की बनया गंगू ते चंदू की कमी सी गंगू ते गंगू चंदू साढ़े है भी कदों सी फिर सी साढ़े घर च नहीं सी साढ़े घर दे भी गदारी करन वाला तो साडा नहीं है ये भी पहरावा ही इन्हां कोले ये भी गंगू ते चंदू दे वारसी है
जेडे अज तक सगो चंगी गल नितारा सामने आ रहा अज सू लभन की लड़ नहीं गई अच्छे प्रतक उगड़ सामने आ रही है भी गुरु घर च कौम च गंगू कौन चंदू कौन है अज नितारा हो रहा है चंगी गल है जी आके सू तो चंकी पता लगे कि बंद कितने खड़ा भी कौम से भीड़ पी औखा वेला आया तो कि खड़ा नितारे हो रहे हैं इस करके असी अपने अंदर असी उधर ना करिए असी अपने अंदर वेखिए भी साढ़े अंदर की हैगा जी अज मैं बैठा मैं गुस्सा मैं कह भी हाँ यार मैं राजस्थान लड़ाई लड़ना पर मैनू डेली शीशे मूहरे बह के वेखना पैना भी तेजिंद्रपाल भी तेरी अंदर तेरी औकात की है अज तू उंगल चक रहे हैं कि तेरा आला दुआला तेरे घर दे तेरे साथी तेरी कमेटी तेरे जथेबंदी तेरे नाल खड़ी है जे ये मैं चार बंदे नहीं संभाल सकता तो मैं मत देव कौम के जथेदार या श्रोमणी कमेटी के प्रधान को मत देव जाके मैं कहना गल होंगी बड़ी होंगी मन च असी हम प्रधान साहब को लगे श्रोमणी कमेटी को लगे हाँ सर जथेबंद गए असी बैठे असं एक बार नहीं मिले सके बूट एक मैठ से बूटा गुरथड़ी वाले का दसिया प्रधान जाके तो प्रधान मनिया इतने साधन गुरथड़ी वाले की मसला आ गया वो बाबा बूटा सिंह गुरथड़ी वाले जो दीवान लाते हैं जो दीवान लाते हैं मीत प्रधान श्रोमणी कमेटी के रहे हैं पहला वो कितने पखंडियों के जाल च आ गए हूँ जाल च आए तो सानू नहीं पता की कहानी है की नहीं असी वो उन्होंने मदद से आ गए जो पता लगे बाबा बूटा सिंह असं अकाल तख्त के हुक्मनाम के खिलाफ जे बाबा बूटा सिंह जी मदद कर रहे हैं तो बहुत माड़ी गल है प्रचारक भी ने श्रोमणी कमेटी मैंबर भी ने मीत प्रधान भी रहे दो प्रधान भी रहे दो रहे हैं असी बाबा बूटा सिंह नाले संपर्क किया संपर्क किया तो असी कहा बाबा जी जे थोनू कोई गल सीगी तो तुम इन्ने व्डे प्रचारक हो कौम के आगू रहे हो श्रोमणी कमेटी दो बार वाइस प्रेजिडेंट रह चुके हो तो थोड़िया होर भी अगर लालसा बहुत है श्रोमणी कमेटी या होर कई अहद्या आके तो तुहाडा फर्ज बनता है भी तुम दूजी धिर नूं सुणदे तो कहिंदे नहीं जो सही है वो जिहड़ा 11 जी वाला पखंडी है गुरु साहब हैप्पी वह कहता लागा देगा नहीं गा वो तो मड़ी चलना पता मैं तो पीरखाना चला गुरु ग्रंथ साहब की लागे देगा गुरुद्वारा की लागे देगा ये तुम गलत कर रहे हो वह तो कमेटी हो रही है अजक जो साबित कर दी अच्छी फिर भी वह लागे देखा कहता जी मेरे को 20 मैंबर है श्रोमणी कमेटी के ये गल कहने कही बाबा बूटा सिंह ने हाँ 20 दे 20 मैं थोड़े हके खड़े कर दूंगा मैं क्या बूटा सिंह जी थोड़े को 200 मैंबर थोड़े को 150 मैंबर सानू तो सच की गल चाहिए है एक भी है खड़ा हो जाए तो 200 भी खड़े हो जाए आके तो तुम ए करो तुम क्या नहीं संबंध अपना वट्सएप चैक करो हाँ तुम्हें पता लग जूगा मैं उतो वट्सएप भेजता जोड़े इश्तहार छपे थे मुख सेवा का गुरु साहब हैप्पी जोड़ा सरूप सिर त रख के लिया रहा वह गुरु साहब हैप्पी जेडे उत्ते कार्ड छपे है इनविटेशन वो बड़ी संचालक जो पीरखाना घर बने उत्ते बड़ी बनी है वो नाँ के कार्ड छपे है मैं कह लो चको जी फिर फोन आया फिर मैं फोन ला लिया मैं क्या बाबा जी ये तुहानू मैं भेजा चैक किया कहने हाँ मैं पता कराया भी ये जिन्हें सरूप चैक है गुरु साहब हैप्पी है या कोई होर है ये कार्ड के ना छपे है तो वह कहते शाम 5 बजे दसागा तुहानू असी मैं क्या बाबा जी यार कमाल की गल है तुम हम फोन करो तुम मन को टिम्मा जी बोलते हो मैं क्या बाबा जी मैं शाम 5 बजे दसूँगा तो की मतलब गल का फिर असी गए बूटा सिंह बोले गुरथुली गुरथुला ए फूल अच्छा मेजर सिंह के मंगा सिंह ढिलों मैंबर है वो करे उत्थे बूटा सिंह साढ़े सब सन मनिया भी मैं मनदा भी वह पखंडी है वह मड़ी संचालक है मैं तो वायदा करदा उसका कोई लागा देगा आप मड़ी तोड़ांगे पीरखाना बंद करावांगे तां शामिल करांगे नहीं तो कोई लागा देगा ये गल कही है ओन रिकॉर्ड है मेरे को रिकॉर्डिंग पई है बूटा सिंह की जी ठीक है वो बावजूद रब जाने की चक्कर चलिया बूटा सिंह ने एक मैंबर विजय सिंह भेज के जांच कराई है उन्हें आ गया सब सही है असी पुछा विजय सिंह भी तू किनू पुछया कहना मैं तो मड़ी गलों पुछया मैं जांच कि कर गया मड़ी गलों की फिर पुछया किनू आ उन्होंने पुछ के रिपोर्ट ओके करती असी क्या प्रधान जी भी प्रधान जी या तो ज्ञानी गुरमुख सिंह गलत है या थोड़ी धर्म प्रचार कमेटी गलत है या थोड़े श्रोमणी कमेटी के मैंबर गलत है या ज्ञानी हरप्रीत सिंह जांच करके आए थे दोनों जथे जो सके वो गलत है या पंज प्यारे गलत है पंज जने गलत है या थोड़ा विजय सिंह सही है पंज जांचां विजय सिंह कहड़ा आया अपना जिहड़ा हुणे सस्पेंड होया सीगा सस्पेंड होया तबले च होया सी वो ही आया सीगा जी कल्ला बंदा फिर हो गया कल हाँ पता ही सारे जाके प्रधान साहब जी गल उन्हें फट ऑर्डर किए नाल लाली नाल ही देश उन्हें लैटर कढ़िया डी जी पी राजस्थान डी जी पंजाब नूं इन्हां केस दर्ज किया जाए मेरा कहने तो भाव है भी साढ़े मन च कोई शंका आउंदे है ना
असं प्रयास करिए भी नहीं सन टाइम लिया कोई गल नहीं चल के जाइए एक घर जाओ थानू पता भी श्रोमणी कमेटी बहुत बड़ी जथेबंदी है पूरे दुनिया के मसले एक आते हैं प्रधान के किन्ने प्रोग्राम किन्ने अटेंड करते हैं भी असी घर गुस्सा करके बह जी यार साडू का प्रधान ने सुने ही नहीं गा अस गए हाँ दो तीन दिन नहीं मिले चौथे मिल गए सानू उन्होंने लैटर जारी किया मैं अज अपील करदा भी असी घर च बह के गुस्सा ना करिए असी मन चवें एक ना अपने आप को ज्यादा वड्डा शो करें भी मैनू वड्डा कोई नहीं हाँ मैं तुहाडी इस गल नाल इत्थे रोकदा वां मैनू मिले सी तुहाडे जथे दे नाल ही हुंदे ने भाई गगनदीप सिंह जी बाबा गगनदीप सिंह जी हाँ जी बाबा गगनदीप हाँ जी हाँ जी हाँ जी उन्होंने जो मैनू दस्सिया वह कहिंदे कि बाबा बूटा सिंह इंट्रस्टड ने तख्त श्री दमदमा साहब साबो की तलवंडी दे विच जहदा लगन वास्ते उन्हां दी लालसा हो सकदी है मैं तो पहला गया भी हर बंदे लालसा होंदी है बेबी लालसा हो सकती है पर वह जे देखो जे तो गुरमत के सिद्धांत पर पहरा देंगे फिर तो वाजब गल है लगे चंगी गल है जे बह के मड़िया की गल करनी है जे कबर की गल करनी है जे पखंडिया की पिट पूरनी है फिर तो बाबा बूटा सिंह मैंबर बनने लायक भी नहीं गा जैसे वो दूर की गल है ये फैसला बाबा बूटा सिंह बूटा सिंह मैं प्रचार करते सुने उद मैं मुक्तसर दरबार साहब होना सा सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी भी होंगे ही जहेदार जी भी ये सवेर की कथा करते होंगे मैं शाम की कथा करता हूँ सा जी जी तीन साल असं कट्ठे रहे हैं उस तो बाद बाबा बूटा सिंह जी उदो प्रचार कर आते होंगे सी कई बार साढ़े कट्ठिया के दबान होंगे बाबा बूटा सिंह तो पहला मैं बाद ने उदों के मड़िया के पखंडिया के खिलाफ बोलते होंगे हूँ एकदम की ऐसा हो गया इस गल के जो सुन रहा मैं की चक्कर है उन्होंने धिरते आर एस एस मड़ी तो गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश है जे मड़िया से गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश होने लगे कबर प्रकाश होने लगे सिख सिद्धांतों तो टुट जाएंगे आर एस एस गल चाहती है उन्हों की पिठ से बैठी आर एस एस मड़िया से ब्रह्मदेव है हूँ ये बाबा बूटा सिंह दसे भी वेद मोदी या बीजेपी का कोई प्रभाव है कोई संघ प्रैशर पा रहे हैं की करे उदो दसणगे या तो ठोक के कह यार या तो ठोक एक तड़ कह भी वो हैप्पी जरा सही है तुम गलत हो किसी बनने गल हूँ विजय सिंह ही फैसला करूगा जो विजय सिंह आप तीन वरी सस्पेंड हो चुके हैं कपड़िया च एक आम मुलाजम बंदा है एक मुलाजम की औकात हैगी है भी पंजा पैरों के उपर श्रोमणी कमेटी के उपर दो जथेदार उत्तों जाके जांच रिपोर्ट करके रिपोर्ट दे दे कोई सोच भी सकता गल नूं जे बूटा सिंह इदां दी हरकतां कराएगा तो वो फिर मंशा क्लीयर होंगी बूटा सिंह कितने खड़ा जी